फ्रेंड्स, मैं सोहम बेरा, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है ग्रेव्स डिजीज। चलिए आज के विषय के लेके बात करते हैं। ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो हम लोगों को जो थायराइड ग्लैंड्स होता है ना, जो बटरफ्लाई की तरह देखता है, इसको मेनली हैम्पर करता है। ग्रेव्स डिजीज ज्यादातर महिला को ही, मतलब फीमेल पेशेंट को ही ज्यादा होता है मेल पेशेंट से। ज्यादातर के ग्रेव्स डिजीज में देखा गया है कि हाइपर एक्टिव होने के वजह से, हाइपर थायरॉइडिज्म ही, ओवर एक्टिंग थायराइड ग्लैंड की वजह से ही ग्रेव्स डिजीज होता है। सिम्टम्स जो होता है ग्रेव्स डिजीज का ये है, आपका आंख थोड़ा बाहर की तरफ दिखाई देगा, आपका वेट लॉस होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट हो जाएगा। जो भी हो, ये जो हाइपरथायरॉइडिज्म ड्यू टू ग्रेव्स डिजीज, ये ट्रीटेबल है मेडिसिन के द्वारा। सो अब बात आएगा कि हु गेट्स ग्रेव्स डिजीज, मतलब कौन इसमें इफेक्टेड ज्यादा होता है। मैंने पहले ही बताया कि ग्रेव्स डिजीज बहुत ही कॉमन है फीमेल पेशेंट को मेल पेशेंट से, और फीमेल पेशेंट एजेस बिटवीन 30 to 60 प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेव्स डिजीज इज मच मोर, मतलब ज्यादा होने के चांसेस बहुत ही होता है। मतलब और किसी को ये ग्रेव्स डिजीज कैसे हो सकता है? अगर किसी के फैमिली में ग्रेव्स डिजीज और हाइपरथायरॉइडिज्म की हिस्ट्री है, किसी को फैमिली में ऐसा कुछ ऑटोइम्यून डिजीज है जैसे रिमाटोइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, प्रीनिशियस एनीमिया एंड लुपस, और कोई अगर बहुत ही सीवियर इमोशनल स्ट्रेस और कोई मतलब ट्रॉमा सहते हैं, तो इसके उसके भी होने के चांसेस है। जिनको रिसेंटली बेबी हुआ है उन लोगों को ग्रेव्स डिजीज होने का एक चांसेस रहता है आफ्टर, मतलब बेबी को बर्थ करने के बाद, जन्म देने के बाद। ये जो प्रेगनेंसी होता है, ये प्रेगनेंसी इस ट्रिगर करता है कि ये ग्रेव्स डिजीज होने के लिए। कोई भी हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन एंड वायरस जो क्या मोनोन्यूक्लियोसिस नाम का कुछ बीमारी किया था, तो उससे भी होने का चांसेस है। स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को ग्रेव्स डिजीज होने का चांसेस होता है, और ग्रेव्स डिजीज होने के बाद उन लोगों को स्मोकिंग की वजह से आई में प्रॉब्लम होने के चांस ज्यादा होता है। तो सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स ऑफ ग्रेव्स डिजीज इंक्लूड बल्जिंग और इरिटेटेड आई, मतलब ग्रेव्स ऑप्थाल्मोपैथी बोलते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड में ग्रेव्स ऑप्थाल्मोपैथी को लेकर ही वीडियो बनाऊंगा, इस बार थोड़ा ग्रेव्स डिजीज क्या है इस जानकारी देना चाह रहा था। थिकनिंग एंड रेडिंग ऑफ द स्किन स्पेशली इन द सिंस एंड अपर फीट, इरिटेबिलिटी, बहुत ही जल्दी इरिटेशन हो जाना, और नर्वसनेस, थकान महसूस करना, और मसल्स वीकनेस फील करना। बहुत ही ज्यादा ग्रेव्स डिजीज पेशेंट बहुत ही ज्यादा हीट सेंसिटिव हो जाता है, उनको बात करने में दिक्कत होता है, हाथ उनका कांपने लगता है, रैपिड जो हार्ट बीट होता है ये रैपिड एंड इरेगुलर हो जाता है, और डायरिया होने के चांसेस ज्यादा होता है, और मैंने बताया कि आपको वेटलेस होगा मगर विदाउट एनी डाइटिंग। फाइटर हो सकता है, जिससे क्या होता है, ये जो पर्सन होता है ये एनलर्ज हो जाता है, और हम लोगों को लगता है कि गले में थोड़ा कुछ स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हुआ है। अभी हम लोग आएंगे कि ग्रेव्स ऑप्थाल्मोपैथी क्या है। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं नेक्स्ट एपिसोड में ग्रेव्स ऑप्थाल्मोपैथी को लेकर बोलने वाला हूँ, मगर यहाँ पे थोड़ा सा टच करके जाता हूँ कि ग्रेव्स डिजीज जो होता है ये एक आंख की भी बीमारी करता है, और इसको हम ग्रेव्स ऑप्थाल्मोपैथी बोलते हैं। और ये देखा गया है कि जो पीपल ग्रेव्स डिजीज में है, इससे लगभग 50% पेशेंट को ये ग्रेव्स डिजीज होने के चांसेस बहुत हो जाता है। ग्रेव्स ऑप्थाल्मोपैथी में क्या होता है कि हम लोगों का जो इम्यून सिस्टम, जो सेल है, डिफेंस मैकेनिज्म है, ये खुद ही समझ नहीं पाता है कि ये क्या करता है, खुद को ही नुकसान पहुंचा देता है। इसके वजह से क्या होता है, हम लोगों के आई के पीछे जो मसल्स रहता है उसमें कुछ स्वेलिंग हो जाता है, कुछ मतलब इसके वजह से आई मूवमेंट होने से पेन होता है, और पीछे के ऐसे सॉकेट स्वेलिंग होने से आई थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है, और अगर इसको हम लोग मतलब अनट्रीटेड रखा और ऐसा कुछ नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है कि आपका नर्व सिस्टम में, मतलब जहां से नर्व निकल रहा है वहां पे भी प्रेशर पड़ने से ये बहुत हद तक एक प्रॉब्लम कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमको ग्रेव्स डिजीज है और हम मैंने डॉक्टर दिखाया दवा ले रहे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना नहीं है। आपको तुरंत कोई ना कोई अच्छे
आई स्पेशलिस्ट के साथ भी दिखा लेना चाहिए। किंतु गिब्स ऑप्थल्मोपैथी में ये कुछ आई ड्रॉप्स, कुछ आई ग्लासेस, रेडिएशन थेरेपी और कुछ आई सर्जरी करके भी इसको ठीक किया जा सकता है। अगर किसी को ग्रेव्स डिजीज है और ज्यादातर फीमेल को, और वो इसको अनट्रीटेड अवस्था मतलब रख दिया, तो उसको क्या हो सकता है? पहले प्रॉब्लम तो देखिए, उनका जो मेंस्ट्रुअल फेज होगा ये एक इरेगुलर मेंस्ट्रुअल फेज होगा, जिससे क्या होगा, ये पीरियड जो है ये लाइट भी हो सकता है और ये इरेगुलर हो जाएगा। सो इससे क्या हो सकता है, सेकेंड प्रॉब्लम जो होगा वो है प्रॉब्लम गेटिंग प्रेग्नेंट। मतलब अगर आपका मेंस्ट्रुअल फेज इरेगुलर हुआ, मेंस्ट्रुएशन ठीक ठाक नहीं हो रहा है, तो आपको मतलब प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी थोड़ा कम हो सकता है, तो इससे ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी दौरान अगर किसी को ग्रेव डिजीज है और उन्हें दिखा नहीं, तो प्रीक्लैम्पसिया हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, और जो बेबी आने वाला है प्लासेंटा में जो होता है बेबी, वो अंडर डेवलपमेंट हो सकता है, उसका हार्ट रेट ज्यादा हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है, और उसको कुछ बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है। ये तो एक जगह है। अभी प्रॉब्लम आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है, ग्रेव डिजीज क्या होता है कि लास्ट 3 महीने के दौरान ये लगभग ठीक हो जाता है, मगर कभी कभी प्रेगनेंसी हो जाने के बाद, बच्चे बाहर आने के बाद, ये कभी कभी और भी खराब हो जाता है। अभी आएंगे हम लोग थायराइड स्टोन। ये बहुत ही रेयर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें क्या होता है, इतना थायराइड हार्मोन रिलीज होता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, एंड टेम्परेचर भी हाईली बढ़ जाता है। फोर्थ जो होता है हार्ट प्रॉब्लम। थायराइड हार्मोन ज्यादा होने से क्या होता है, हार्ट का जो नॉर्मल रिदम है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, एरिथमिया होता है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो सकता है, और इससे हार्ट फेल होने की चांसेस भी रह सकता है। अभी आएंगे कि ग्रेव्स डिजीज डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। देखिए डायग्नोसिस तो फिजिकल एग्जामिनेशन और कुछ टेस्ट से होता है, जैसे थायराइड फंक्शन टेस्ट हम लोग बहुत ही पेशेंट को देते हैं, TFT टेस्ट। ये जो TFT टेस्ट है, इसमें क्या किया जाता है, ब्लड लेवल को लिया जाता है, जो मेन हार्मोन है T4 एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन लोगों का जो रिजल्ट आता है वो देखते हैं। ए हाई लेवल ऑफ T4 प्लस, मतलब T4 हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाना है, वो TSH हार्मोन का कम हो जाना, इसका मतलब वो ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड का महसूस करवा रहे हैं। सो उसके बाद जो होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, RAIU टेस्ट। इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि थायराइड ग्लैंड कितना आयोडीन ले रहे हैं थायराइड हार्मोन को तैयार करने के लिए। तो हायर लेवल अगर आयोडीन ले रहे हैं तो मतलब वो ज्यादा ही कर रहे हैं, तो उसी से भी मालूम हो सकता है कि ग्रेव्स डिजीज इसको होने के चांसेस होता है। और एक होता है कि एंटीबॉडी टेस्ट। ये जो ब्लड टेस्ट है ये देखते हैं कि कोई एंटीबॉडीज जो है जो ग्रेव्स डिजीज को बढ़ावा दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, ये देखने के लिए। तो देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखिए थायराइड ग्रेव्स डिजीज को लेके इतना टेंशन करने नहीं है, क्योंकि एंटी थायराइड कुछ मेडिसिन है, और ये जो मेडिसिन दिया जाता है ये मेडिसिन से ज्यादातर पेशेंट बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत दिन तक अच्छा रहता है। उसके बाद आता है एक रेडियो एक्टिव आयोडीन। इसमें क्या किया जाता है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन जो आयोडीन है ये क्या करता है, जो थायराइड सेल है इसको डिस्ट्रॉय करके थायराइड जो ज्यादा हार्मोन निकल रहे थे इसको कम कर देते हैं। कभी कभी अगर ये ज्यादा कम कर देते हैं तो शायद आपको कुछ थायराइड स्टिमुलेट मतलब T4 कुछ हार्मोन थायराइड हार्मोन लेके भी आपको काम चलाना हो सकता है। लास्ट जो होता है वो है कि सर्जरी किया जाता है कि इसको पूरा और पार्शियली रिमूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये ग्रेव्स डिजीज है। आप अगर किसी ने इस डिजीज के अंदर है और फैमिली मेंबर अंदर में इसके चपेट में आए और आपको कोई फैमिली में हिस्ट्री है तो थोड़ा सावधानी बरतिए, कोई ना कोई स्पेशलिस्ट के साथ जानकर मतलब दिखा लीजिए और उनके हिसाब से चलिए। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज इतने, आप सब लोग सुस्त रहिए, अच्छे रहिए, अच्छा रखिए।